आप लोग का पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस ना। तो लाइफ प्रोसेस मतलब होता है पहले जीवन की प्रक्रियाएं, यानी कि हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, जो कार्य होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। देखो दिया गया है कि द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि सजीवों को जीवित रहने के लिए जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, नेसेसरी होती है, उन्हीं क्रियाओं को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी जैसे किसी भी एनिमल को जिंदा रहने के लिए जिन जिन कामों की, जिन जिन क्रियाओं की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उसी कामों को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, रेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, सिंथेसिस, ETC। यानी कि ये सब जितने प्रोसेस होते हैं, इनमें से कोई एक प्रोसेस अगर रुक जाए किसी एनिमल के बॉडी में ना हो, तो वो एनिमल डेथ कर जाएगा। तो एनिमल को जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इन कार्यों का होना जरूरी होता है। तो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें पहला टर्म है न्यूट्रिशन। हम लोग पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब होता है पोषक, न्यूट्रिशन होता है पोषण। देखो इसमें दिया गया कि न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी। यानी कि जब कोई एनिमल भोजन को लेता है और भोजन को लेने के बाद उसको ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है, उस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने भोजन को खाया और खाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हम अपना वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो इन पूरे प्रोसेस को, यानी कि भोजन को लेना, डाइजेशन करना, एनर्जी रिलीज करना, इन पूरे प्रोसेस को मिला करके हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। नीचे एक टर्म दिया गया है कि द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यानी कि जो मटेरियल, जो फूड्स हमको क्या होता है, एनर्जी देते हैं, उस मटेरियल को हम लोग न्यूट्रिएंट कहते हैं। लाइक ए प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ETC, ये जितने भी मटेरियल होते हैं, ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करते हैं। जो बच्चों न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है, ये कंप्लीट होती है 5 स्टेप में। यानी कि जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें 5 स्टेप की आवश्यकता होती है। 5 स्टेप, इनमें पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, चौथा स्टेप है एसिमिलेशन और 5वां स्टेप है इजेशन। ठीक है, तो ये जो 5 स्टेप होते हैं, 5 स्टेप जो होते हैं कंप्लीट करते हैं न्यूट्रिशन के, यानी कि 5 अवस्थाएं मिल करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करती है। हम लोग पहला बात करते हैं इंजेशन की। तो देखो इंजेशन में क्या दिया कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड और एनी सबस्टेन थ्रू द माउथ आर कॉल इंजेशन। इंजेशन मतलब होता है इनगल्फ करना, यानी कि खाना, जब किसी भी फूड के सबस्टेंस को हम लोग अपने माउथ में रखते हैं और माउथ में रखने के बाद उसे हम लोग अपने एलिमेंट्री कैनाल में, यानी कि पाचन तंत्र में भेज देते हैं भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन, जो हम लोग भोजन को अपने माउथ में रखते हैं। जब भोजन बच्चे माउथ में चला जाता है तो उसके बाद चला जाता है स्टमक में, यानी कि अमाशय में। तो अमाशय में क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। तो हम लोग न्यूट्रिशन के सेकेंड स्टेप के बारे में पढ़ते हैं। एनी कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू सिंपल सॉल्युबल सबस्टेंस आर कॉल्ड द डाइजेशन। देखो बोला है कि किसी भी जटिल, यानी कि बहुत स्ट्रांग अघुलनशील पदार्थ को जो हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, तोड़ देते हैं सिंपल सॉल्युबल में, साधारण और घुलनशील में, तो उस प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो अब जब डाइजेशन है तो बच्चे, तो डाइजेशन के बाद क्या होता है कि डाइजेशन के बाद एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि जो छोटी आंत में होता है, तो छोटी आंत में क्या होता है, जो भोजन के सबस्टेंस होते हैं उसको हम लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। देखो दिया कि विच द सिंपल मॉलिक्यूल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड ओवर लिम्फ कैपिलरी, दस द प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी कि जब हम लोग भोजन को क्या करते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करते, तोड़ देते हैं, तो वहां से जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी,
अब क्या होता है दोस्तों, जब एब्जॉर्प्शन हो जाता है यानी कि जब सिंपल मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड में देता है, तो ब्लड में क्या होता है एसिमिलेशन होता है, यानी कि वो जो मॉलिक्यूल होते हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं, गति करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। देखो देखिए, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल इनटू सेल इन द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द एसिमिलेशन। देखो बोल रहा है कि जहाँ जब बॉडी के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल मूवमेंट करता है, गति करता है, जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है वहाँ पर चला जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। लास्ट टॉपिक बच्चे इजेशन। इजेशन में क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं यानी कि जो खराब पदार्थ होते हैं, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल होते हैं, उस अनडाइजेस्टेड पार्टिकल को और खराब पदार्थ को हम शरीर से बाहर कर देते हैं, इलिमिनेट कर देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन।